राम राम जी, मैं नीलम मल्होत्रा आप सभी का अपने चैनल पे बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत सिंपल सी रेसिपी बनाने लगे हैं जिसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। आमले की कैंडी, ये बड़े आराम से और बहुत छोटे टाइम लगता है इसको, बनने में, पर तैयार करने में कोई ख़ास टाइम नहीं लगता। 400 ग्राम आमले लेकर मैंने इसको 20 मिनट के लिए बॉयल किया। बॉयल करने के बाद इसको ऐसे कली इसकी निकाल लेनी, बहुत ही आराम से निकल जाती है। ये मैंने दो रखे हैं, कितने आराम से निकल जाते हैं। इसको 20 मिनट के लिए बॉयल करें, 400 ग्राम है, इसको 20 मिनट लगे हैं बॉयल करने में। बहुत अच्छी तरीके से बॉयल हो गए हैं। और मैंने 200 ग्राम ये शुगर लिया, इसको हम बॉल में डालेंगे, डोंगे में। इसके ऊपर जो चीनी की लेयर दे देंगे, इसको ऐसे 24 घंटे के लिए हम ढक के रख देंगे। 24 घंटे बाद दो दिन हो गए हैं, हमने कैंडी में जो आमला की कलियां बना के रखी थी उसमें चीनी डाली थी, अब उसका पानी बिल्कुल अलग कर देंगे। दो दिन में बिल्कुल चीनी जो होती है अपने आप ही मिक्स कर लेता है। इसको अच्छी तरह पानी निकाल देंगे इसका। अब इसको दो दिन और लगेंगे तैयार होने में। इसको पानी अच्छी तरह अलग करके प्लेट में रख देंगे धूप में, अलग अलग करके। जो पानी इसका बचा है चीनी वाला, इसको थोड़ा सा गैस पे पका के हम इसका शरबत तैयार करेंगे, बहुत अच्छा होता है। इसके भी बहुत बेनिफिट होते हैं, ये चीनी बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। ये नेट का कपड़ा लिया मैंने, इसको ऐसे ढक के धूप में दो दिन के लिए रख देंगे। दो दिन बाद हमारी कैंडी बन के तैयार हो जाएगी, बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनेगी। दो दिन हमने कैंडी को धूप में सुखाया, अब तैयार होगी। हम इसको हम खाने के लिए तैयार करेंगे। इतना ही इसमें मॉइस्चर थोड़ा सा होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई ना हो। दो दिन में देखो कितनी अच्छी होगी। इसमें 2 चम्मच हम बूरा चीनी मिलाएंगे। अगर आप खट्टी मीठी चाहते हो तो आप काला नमक, थोड़ा सी काली मिर्च डाल सकते हो, मगर मैंने ये बना मीठी बनाई है, बहुत ही टेस्टी। इसका बॉयल करने से कसैलापन सब निकल जाता है। जो इसमें का सिरप निकला था वो भी मैंने यूज़ किया, उसकी मैंने चाशनी बना के गुलाब जामुन डाले हैं। अभी गुलाब जामुन निकाल के जब खाने के बाद इसकी चाशनी बच जाएगी, उसका मैं प्रसाद बनाऊंगी, उसमें सारी ये चाशनी लग जाएगी। पेस्ट इसमें बिल्कुल कुछ नहीं होता, इसके बेनिफिट्स इतने हैं। आप भी बनाएं, खाएं और मेरे को कमेंट करें। अभी हम सर्व करते हैं। कैंडी खाने के लिए तैयार हो गई है, बिल्कुल बहुत ही अच्छी, बहुत ही ब्यूटीफुल बनी है। आप भी बनाएं, खाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर जरूर करना और कमेंट करना कि आपको कैसी लगी है।